श्री राधा माधव मंदिर सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ज्येष्ठ संक्रांति के उपलक्ष्य पर शनिवार को हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर यज्ञ में 5 सदस्य शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस आयोजन पर उपस्थित मंदिर सभा की प्रधान श्रीमती चंद्र डेरा ने बताया कि मंदिर में हर संक्रांति को हवन होता है, किंतु पिछले 2 महीनों से कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के निर्देशानुसार मंदिर बंद रहने के चलते कोई हवन नहीं किया गया। अब 2 महीने के बाद इस यज्ञ का आयोजन एक प्रार्थना रूप में किया गया है, जिसमें प्रधान श्रीमती चंद्र डेरा ने मंदिर के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से हवन यज्ञ के दर्शन करवाए और प्रार्थना की कि आज मंदिर हवन में 5 सदस्य हैं, अगली बार अधिक सदस्यों के शामिल किए जाने की आशा है। चंद्रकला डेरा, प्रधान राधा माधव मंदिर सेक्टर 34 चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। इस बार हर बार हम संक्रांति का सत्संग करते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हमने इस बार सत्संग नहीं किए हैं, ना ही हमने कोई हवन यज्ञ किया है। इस बार ज्येष्ठ की संक्रांति में हम 5 सदस्यों ने मिलके और डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए विश्व की शांति के लिए हवन और यज्ञ किया गया। और ये यज्ञ जो है, हम इस यज्ञ के मीडिया के माध्यम से हमने अपने संगत को यज्ञ और हवन के दर्शन कराए हैं। भगवान ने चाहा तो अगली बार पूरी संगत के साथ हर्ष उल्लास के साथ हम इस हवन को करेंगे और विश्व शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सुखी रखे। और हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावाने। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।